वेलकम बैक गाइस। तो आज हम आ गए हैं कॉलेज सीरीज के एक नई वीडियो के साथ, और आज हमारे साथ है श्रेयस जो कि जीएल बजाज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जीएल बजाज में फर्स्ट ईयर लाइफ कैसी होती है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इसी के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं और सारी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जीएल बजाज का फर्स्ट ईयर कॉलेज लाइफ। तो गाइज हम छोटा सा इंट्रो लेते हैं श्रेयस का। तो श्रेयस आप बताइए कि आप जीएल बजाज में। मेरा नाम श्रेयस दुबे है, मैं अभी जीएल बजाज के थर्ड सेमेस्टर में आया हूँ। मैंने अभी रिसेंटली ही अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है जीएल बजाज में। तो मैं आपको अपने फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो श्रेयस पहले तो आप ये बताइए कि एडमिशन प्रोसेस क्या है जीएल बजाज में। एक बेसिक सा क्वेश्चन सारे बच्चों का होता है, तो वो बताओ। जीएल बजाज में एडमिशन प्रोसेस ऐसा है कि जीएल बजाज में दो तरीके से एडमिशन होता है। या तो आप जेई मेंस के स्कोर कार्ड के हिसाब से डायरेक्ट काउंसलिंग करा सकते हैं, उसके बेस पे इंटर एडमिशन मिल जाता है आपको। ओके, ओके। और दूसरा है आप कॉलेज जाकर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, जो कि आपका 10+2+ जेई की रैंक के हिसाब से ले लेते हैं। ओके, ओके। उस हिसाब से आपको तो चलो सारा बच्चों का क्लियर हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, और आपने जब एडमिशन लिया तो रियलिटी क्या दिखा आपको, वो बताओ। जैसे कि जब भी हम स्कूल से पास आउट होते हैं तो हम देखते हैं कि मूवीज़ है या कोई भी टीवी शोज है, लाइक बॉलीवुड एक्सपेक्टेशंस, ये सब चीज़ दिखाते हैं कि कॉलेज में काफ़ी इंजॉयबल लाइफ है, मस्ती है, काफ़ी अच्छी दोस्ती है, सारे इवेंट्स करते हैं हम, पढ़ाई भी उतनी नहीं है, लोड भी नहीं है। बट ये सब मूवीज़ से टोटली डिफरेंट है। जैसे भी आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, आपके देखिए बहुत ही कम चांस है कि आपकी कोई दोस्त अच्छे दोस्त बन पाए। एग्जैक्टली जो कि आपकी स्कूल लाइफ की दोस्ती होती है वही जीवन में सबसे अच्छी दोस्ती होती है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, आप सुबह से 9 बजे से कॉलेज जाओ, शाम तक 5 बजे चलो, और फ्रीडम भी बहुत कम होती है आपको। बेसिक ये है कि जब हम कॉलेज में एंट्री लेते हैं तो हमें लगता है कि फर्स्ट ईयर से ही बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लाइफ सिमिलर टू स्कूल्स होते हैं ना, स्कूल लाइफ ही होती है सिमिलर फर्स्ट ईयर में ऑलओवर। तो चलो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लियो, तो क्या लगता है कि जैसे स्कूल में एक टीचर्स थे हमारे, तो वो थोड़े सपोर्ट करते थे, तो यहाँ पे कितने सपोर्टिव है फैकल्टीज़, तो उस लेवल पर बताओ। देखिए जीएल बजाज का जो फर्स्ट ईयर है उसमें जो फैकल्टीज हैं, आप ये समझिए फर्स्ट ईयर आपके स्कूल की ही तरह होता है। ओके okay. जो भी फैकल्टीज हैं वो आप पे ध्यान दिया करते हैं, हर एक बच्चे पे उनकी मोस्टली नज़र रहती है कि कौन कैसा क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस सब पर, हर एक की थोड़ी रिपोर्ट रखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है कॉलेज में। स्कूल जैसा ही सब चलता है जीएल बजाज में। तो बेसिकली ये है कि स्कूल जैसा हमें पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस में रखा जाता है, ज़्यादा कोई फ्रीडम नहीं होती है ना। ये है कि सिमिलर ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है वो प्रॉपर स्कूल वाली वाइब आने लगती है, है ना। तो भाई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको बिल्कुल स्कूल वाली फीलिंग्स आने लग रही होगी, और बाकी अपना इन्जॉयमेंट तो सेकेंड ईयर के बाद ही स्टार्ट होती है। तो थोड़ा सीनियर फील करते हो आप, तो वहाँ से चीज़ें सारी स्टार्ट होती है। तो श्रेयस मेरा अगला ये है कि यहाँ पे फ्रेशर्स और फेस्ट का क्या सीन है, जैसे कि फ्रेशर्स वगैरह के लिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो यहाँ पे क्या फ्रेशर्स करवाया गया था आपके लिए? जीएल बजाज में जो होता है फ्रेशर्स का कोई इवेंट नहीं होता है, एक कॉन्सर्ट करवाया जाता है जिसमें कोई भी सेलिब्रिटी या कोई परफॉर्मेंस होती है, सिंगिंग वगैरह होती है, कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी आके परफॉर्म करता है। जैसे कि लास्ट ईयर मेरे टाइम पर विशाल ददलानी और शेखर ने परफॉर्म किया था। ओके, बस वही होता है। अच्छा, तो बेसिकली ये कि छोटा मोटा शो और सिंगिंग वगैरह सारे ये सारी चीज़ें करवाते हैं ना। चलो तो मेरा ये अगला सवाल ये है कि ये स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जीएल बजाज कैसा है? हाँ, स्पोर्ट्स वगैरह में यार आप पार्टिसिपेट करते हो चीज़ें को, तो ये कैसा है, मतलब कि स्पोर्ट्स वगैरह में सपोर्टिव है ये फैकल्टीज़ या सारे कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो स्पोर्ट्स में क्या सपोर्ट करते हैं, और ये किस लेवल पे है? जीएल बजाज में जो फर्स्ट ईयर है उसमें कोई स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती, ये सब आपको सेकेंड ईयर में मिलता है। फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं आपके पास, अगर फ्री टाइम हो तो आप उनमें जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में अलाउड नहीं रहता है फर्स्ट ईयर के बच्चों को कि आप बिल्कुल ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहे हो या क्लास छोड़ के पूरा ये सारी चीज़ें कर रहे हो। फर्स्ट ईयर बिल्कुल स्कूल जैसा होता है, सेकेंड ईयर से आप क्लब एंड सोसाइटीज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ना, तो ये सारा सीन होता है। हाँ, हमारा अगला सवाल ये है कि आपने तो अभी फर्स्ट ईयर में क्लब्स वगैरह कोई ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो भाई फर्स्ट ईयर में तो क्लब को वो कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट का सवाल की तरफ चलते हैं। कैंपस की फैसिलिटीज़ क्या है, अगर हम बात करें उसमें कि क्या है, लैब्स वगैरह, लाइब्रेरी हो, ऑडी वगैरह में क्या, ये मतलब क्या कैसा है, जिम वगैरह हो, क्लासरूम कैसा, तो ऑल ओवर ये मैनेजमेंट कैसा, कितना कैसा कंडीशन है? जीएल बजाज का जो कैंपस एरिया है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जितना भी है वो सब वेल इक्विप्ड है। लैब्स वगैरह सब एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे हैं, आपकी लाइब्रेरीज वगैरह हैं फुल्ली इक्विप्ड हैं, सारी प्रकार की बुक्स मिल जाएंगी, एसी
रूम्स हैं सब, क्लासरूम्स ऐसी नहीं है बट बाकी सब चीज़ आपको लैब वगैरह, मतलब मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसी है कि सारे रूम में एक एसी नहीं लग रही होती है, लैब्स में लग रही होगी, लैब्स में रहती है आपकी लाइब्रेरी रहती है, और लाइब्रेरी जो है आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रहती है 12 आवर, ये भी पूरा दिन रहती है रात। मतलब ये है कि अगर आप अगर कॉलेज क्लास बंक कर रहे हो तो लाइब्रेरी में जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहाँ अपना पढ़ाई कर सकते हो, तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, वहाँ पे इतना स्पेस होता है ना। तो हमारा अगला सवाल ये है कि क्या फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिए तो आपकी रैगिंग की गई या किसी ने ऐसा कोशिश किया? वैसे तो ऑफिशियली परमिशन नहीं दी जाती है कॉलेज में, तो क्या आपका हुआ रैगिंग, ये बताओ बच्चों को। मैंने तो रैगिंग जैसा कुछ भी फेस नहीं किया, लेकिन कॉलेज में ये है कि ऑफिशियली कोई भी रैगिंग नहीं, एकदम रैगिंग फ्री कैंपस होता है, बट ये होता है कि थोड़ी बहुत कहीं कुछ हो जाते, कभी सीनियर्स हैं या कोई लोकल लोग हैं वो आपकी रैगिंग ले सकते हैं, बाहर आर ऐसा कोई नहीं है, कॉलेज के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन कॉलेज के बाहर कभी हो जाता है थोड़ी बहुत। बेसिकली ये है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बच्चे अगर कहीं से भी देख रहे हो, बिहार से भी, से एमपी से, कहीं से देख रहे हो, तो सिंपल सी बात ये है कि फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मतलब इतना मैनेजमेंट है कि परेशान नहीं होगी आपको। और बाकी ऐसे रैगिंग होती है ऐसे ड्यू वगैरह में या ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे सारी चीज़ें होती है, यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल है बिल्कुल, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि हाँ भाई रैगिंग होगी, ऐसा कोई मूवी जैसा कोई सीन नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ होती है कॉलेजेस की, है ना। अब तो हमारा अगला सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये मिथ होता है कि क्या हमें हॉस्टल लेना चाहिए या बाहर पीजी लेना चाहिए, फ्लैट लेना चाहिए, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर फर्स्ट ईयर में हो तो हॉस्टल्स में रहो, या बाहर के हॉस्टल्स या कॉलेज के हॉस्टल्स में रहो। तो आज हम श्रेयस से डिस्कस करते हैं कि आपका कॉलेज लाइफ में हॉस्टल्स का कैसा हो रहा, मतलब मेमोरीज। देखिए जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, तो मैंने अंदर का जेल बजाज के अंदर भी हॉस्टल है कैंपस के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है, अच्छी कंडीशन है रहने लायक, और ये है कि बिल्कुल कॉलेज के पास ही पड़ता है। आपका फर्स्ट ईयर का अलग हॉस्टल होता है, एक सेपरेट बिल्डिंग होती है, और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ है उनका अलग सेपरेट बिल्डिंग होती है। जो आपका फर्स्ट ईयर का हॉस्टल होता है उसमें सारी, तो क्या आपने हॉस्टल लिया था, कॉलेज का हॉस्टल लिया था आपने? नहीं देखिए, जब मैं कॉलेज गया था तो उस टाइम पे कॉलेज वाला हॉस्टल सारा भर गया था, तो मैंने बाहर ले लिया था कॉलेज से पास में हॉस्टल। अच्छा, तो ये है कि हाँ, तो अपना जो भी है अगर कॉलेज के बाहर भी हॉस्टल्स ले रहे हो तो हॉस्टल्स का एक बार कॉलेज हॉस्टल लाइफ बताओ, है ना, जैसे कॉलेज लाइफ डिस्कस कर लिया हमने, तो हॉस्टल्स लाइफ बताओ कि हॉस्टल्स लाइफ में क्या क्या आपने फेस किया, क्या मतलब खाना पीना सारी चीज़ें, मतलब एवरी चीज़ सारी चीज़ें। हॉस्टल का खाना तो ऐसा है कि खाना पीना सभी हॉस्टल में ठीक ठाक होता है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि एकदम अच्छा खाना या एकदम ही बेकार खाना हो, और फैसिलिटीज़ सारी देते हैं आपके, एसीज नॉन एसी रूम होते हैं, कई कई हॉस्टल्स में लिफ्ट की फैसिलिटीज़ होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होते हैं, जैसे पूल होती है, टेबल टेनिस है, कैरम वगैरह, जिम वगैरह भी फैसिलिटीज़ रहती है, जिम की फैसिलिटीज़ होती है पूरी 24/7 खुली होती है आपको। तो बाकी ये कि मैं अगर प्रॉपर अगर बात करूँ कि ना, अगर खाना पीना का देखें, अगर फूड्स वगैरह क्या है, तो बिल्कुल एवरेज होता है, बिलो एवरेज भी कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छा, एक बेटर में नहीं जा सकते, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप हॉस्टल्स में रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, तो खाना तो एवरेज मिलेगा, घर जैसा मिलेगा नहीं, तो वो ज़्यादा मिथ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, ये सारी चीज़ें। तो अगला सवाल मेरा ये है कि क्या आपको ऐसा लगा कि कंप्यूटर साइंस में आप एडमिशन ले रहे हो तो भाई कोडिंग करूँगा, ऐसे तो सॉफ्टवेयर ही बना दूंगा, एक मिथ होता है, मैं भी था तो एक टाइम पे था, तो क्या लगता है ऐसे कोडिंग का क्या सीन है, फर्स्ट ईयर में कितना करते हैं बच्चे कोडिंग, रियलिटी बताओ। देखिए फर्स्ट ईयर में ये होता है कि आपका दो सेमेस्टर होता है, उसमें एक सेमेस्टर में आपको सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वैसे कोडिंग का कोई ज़्यादा सीन नहीं होता, सिर्फ सी लैंग्वेज के बेसिक पढ़ाए जाते हैं, एरेज वगैरह और पॉइंटर्स, ये सारे पॉइंट पढ़ाए जाते हैं, और ऐसा होता है अपने ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज दे देते हैं बच्चों को, है ना, बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि सेकंड ईयर में इसके ऊपर DSA पढ़ाएंगे इस लैंग्वेज में, और जो होता है कोडिंग बच्चे अपने हिसाब से खुद से कर सकते हैं जितना कर सकते हैं वो, बाकी अपना 12th से रिलेटेड सिलेबस ही चलता है फर्स्ट ईयर में पूरा, बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही चलती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तक मैथ रहता है वैसे, मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हो कि भाई फर्स्ट ईयर में कोडिंग का इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता क्लासरूम में, है ना ये, लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं वो क्लासरूम से हट के या कॉलेज से हट कर चीज़ें अपने हिसाब से वो मतलब टाइम देते हैं ना, फर्स्ट ईयर से कुछ बच्चे कोडिंग परस्यू करने लग जाते हैं ना, तो उनका एट द एंड अच्छा होता है, प्लेसमेंट भी अच्छा होता है उनका फर्स्ट ईयर में, लेकिन कॉलेज की तरफ से इतना फोर्स नहीं होता कि फर्स्ट ईयर से कोडिंग करो, लेकिन भाई कर लोगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ढंग से गाइज आपके लिए हम मेहनत करते हैं, और जितने अच्छे अच्छे आप कमेंट्स करोगे हम उन सब का रिप्लाई करेंगे, और जो जो आपके डाउट्स हैं डालो, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको जो जो चाहिए वो बताओ हमको,
और हम आई बटन पे आपको NIT का प्लस गलगोटियास का रिव्यू दे देंगे, आप क्लिक करके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। भाई 8K व्यू चलेगा, NIT पे 10K कर दो मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद NIT का एक और एक्सपोज वीडियो निकालूंगा। NIT का बंदा, ठीक है। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जारी कर दो भाई।